नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के विभव गार्डन में हिंदू युवती के साथ गरबा खेलता हुआ मिला आमिर खान। बालाघाट से युवती को भैला फुसला कर लेकर आया था इंदौर। आमिर के मोबाइल में मिले कई हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील चैट हिंदू जागरण मंच ने पकड़कर पहले तो आमिर खान की जमकर पिटाई और पुलिस के हवाले कर दिया। नवरात्रि पर्व पर गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर फरमान के बाद भी युवकों के शामिल होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में हिंदू युवती के साथ गरबा खेलता मिला आमिर खान। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने गरबा कर रहे मुस्लिम युवक की पहले तो जमकर की पिटाई, वही पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया है कि युवती के अपहरण की रिपोर्ट बालाघाट के वेहर थाने में मामला दर्ज है, मगर इंदौर पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। एडिशनल डीसीपी राम सनही मिश्रा ने बताया कि हीरानगर थाना क्षेत्र के वैभव गार्डन से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिंदू जागरण मंच द्वारा पकड़ा गया है। जांच करने के बाद पता चला कि युवती नाबालिग नहीं है और ना ही कोई किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज है। युवती जॉब के लिए कुछ दिन पहले इंदौर आई थी और कॉल सेंटर में काम कर रही थी। आमिर जो को बालाघाट का रहने वाला है और दोनों पहले से परिचित थे, वहीं पुलिस ने आमिर खान को पकड़ कर जेल भेज दिया है। एक ही जगह से आए हम लोग मतलब क्योंकि आप शादी वादी करने वालों की बदले नॉर्मल है, हम लोग जॉब के सिलसिले में आए हैं। ये तो गर्लफ्रेंड है तो शादी वादी करने वाले? नहीं, वो अपने भाई के साथ रहती है। अच्छा। वो अपने भाई के साथ रहती है, मैं लड़कों के साथ में रहता हूँ, दोस्त के साथ में। वो अपने भाई के साथ क्या जॉब? मैं जॉब ढूंढने की तलाश में आऊँ, मेरे को अभी हद से हद 15 ही दिन हुए इंदौर आए हुए। ठीक है भैया, देखो सुनो, नॉर्मली कुछ भी काफी हुई गलती नहीं, मतलब गलती आपकी ये मैं पहली तो आपकी गर्लफ्रेंड वो है हिंदू है, ठीक है। दूसरी गरबे में आ गए आप, ये यहाँ पे मेरी बात तो हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, माँ की आराधना करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मक्का में हिंदुओं का आना वर्जित है, जाते भी नहीं कोई, उधर पहुँचो अगर कोई जाएगा, मेरी बात सुनो, मक्का की बात पवित्र जगह पे हम लोग इबादत करते हैं, हम लोग यहाँ इबादत करते हैं, पूजा अर्चना जो भी है दरी हम करते हैं। तो यहाँ पे हमको दूसरे धर्म के लोगों का आना अलाउ नहीं है, ठीक है। आप मानते ही नहीं हो तो क्यों आ रहे हो आप? हिंदू जो समाज में लव जिहाद की घटनाएं ज्यादा होती जा रही है हिंदू समाज में, उसको देखते हुए हमारा सभी पंडालों में जाकर जो अभियान चल रहा है मुस्लिमों द्वारा, जो मुस्लिम घुस रहे हैं लव जिहाद के काम कर रहे हैं, बालिकाओं को भेला फुसला कर ले जा रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे गरबा पंडालों में रात को जो हमारे कार्यकर्ता गए तो उसमें देखा गया एक अमन नाम का लड़का अंदर लड़की के साथ जा रहा था। उसका जब उससे पूछताछ करी तो उसका नाम आमिर खान पाया गया, और वो जब जानकारी लगी तो वो बालाघाट से किसी लड़की को भगा, वो अपहरण करके लेकर आया था। उसका लड़की का क्या बैकग्राउंड है, आपने तलाश किया क्या? लड़की के परिवार से बात हुई है, परिवार आने वाला है इंदौर। लड़की गुमशुदगी है, वहाँ पर उसके पिताजी से बात हुई तो बोला बालाघाट में उसकी गुमशुदगी है। किस मामले में गुमशुदगी दर्ज? ये गायब है लड़की वहाँ से, उसके मामले में अभी जब परिवार आ जाए तो उसकी जानकारी लग रही है, परिवार को बुलाया है। जो लव जिहाद के ज्यादा घटनाएं हो रही है उसके लिए हिंदू जागरण मंच हर क्षेत्र में यही सब कर रहा है। राजकुमार टेटवाल, हिंदू जागरण मंच, जिला सहयोग। वैभवश्री गार्डन से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर विद्रोह संगठन के द्वारा थाना को सपोर्ट किया गया था। पूरी जांच की गई थी, जो युवती है वो नहीं है, नाबालिग नहीं है और ना ही उसकी कोई किडनैपिंग की कोई प्राथमिकी दर्ज अभी तक के जो तथ्य सामने आए हुए हैं। जो युवती है यहाँ पर जॉब की फिराक में लगभग 15-20 दिन पहले आई हुई है, और ये भी तथ्य सामने आया हुआ है कि युवती के द्वारा विजयनगर में किसी कॉल सेंटर में काम भी किया जा रहा है। युवती पुलिस के संपर्क में है, उसके द्वारा बताया गया कि बैहर गिरने वाली है, भावप्रिया उसका नाम है, और हाँ वो इस संदिग्ध व्यक्ति आमिर को जानती है और ये भी बालाघाट का रहने वाला है, और इसी नियत से वो यहाँ पर आया हुआ था और उस पर से वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों में जेल दाखिल किया गया है। सर, क्या ये लड़की जो बता रहे हैं इसके पिता ने कोई एफआईआर दर्ज की है बेहर थाने में, बताया जाए? नहीं, अभी जो थाना प्रभारी की टेलीफोनिकली बात हुई है परिजनों से और जो लड़की है उससे भी बात हुई है, तो ऐसी किसी भी तथ्य को नकारा गया है और उनके द्वारा यही कहा गया है कि बच्ची जॉब की फिराक में इंदौर गई हुई है, वहाँ पर जॉब करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।